नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने विनेश फोगाट को भारत रत्न या फिर राज्यसभा में सीट के लिए नामित करने का प्रस्ताव रखा है। अभिषेक ने कहा कि सरकार और विपक्ष को आम सहमति बनाने का कोई रास्ता निकालना चाहिए और विनेश फोगाट को या तो भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए या फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा सीट के लिए नामित करना चाहिए। अभिषेक ने लिखा, उन्होंने असाधारण क्षमता का परिचय दिया है, यह कम से कम हम उनके लिए कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। कोई भी पदक उनकी असली क्षमता को नहीं दर्शा सकता। विनेश फोगाट के बाहर होने से हर कोई दुखी है। पूरे देश को विनेश से गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद थी, लेकिन इस बीच खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जले हुए पर नमक छिड़क दिया है। उन्होंने इस दौरान ही बताया है कि सरकार ने विनेश फोगाट पर कितना खर्च कर दिया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में ये बताया कि सरकार ने विनेश फोगाट पर कितने रुपए खर्च किए। मांडविया ने बताया कि विनेश को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा गया था, जिस पर 70,45,000 रुपए का खर्च आया था। कल से विनेश फोगाट सबकी आंखों की तारा बनी हुई थी। देश को उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है जो दिल दहला देने वाली है। खबर है कि विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उनको 50 किलोग्राम से अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हमारी रात भर की कोशिश के बावजूद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। बुधवार सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से ज़्यादा निकला। भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा कि आज सुबह उनका वजन कुछ ग्राम अधिक निकला। बताया जा रहा है कि विनेश का भार तय वजन से करीब 100 ग्राम अधिक पाया गया। बस आज तक और बाकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश फोगाट बेहोश हो गई हैं। इसके बाद उनको पेरिस के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विनेश डिहाइड्रेशन के कारण अस्पताल में भर्ती कराई गई। पहलवान विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान फोगाट के चाचा महावीर फोगाट से मिलने पहुंचे। इस दौरान मान ने कहा कि 150 ग्राम के तो बाल ही थे, वही कटवा देते। कोच और फिजियोथेरेपिस्ट लाखों रुपए लेते हैं, क्या वो वहाँ छुट्टियां मनाने गए हैं, घूमने गए हैं? मान ने कहा कि गोल्ड आने वाला था। महावीर फोगाट भी कहते हैं कि 100-150 ग्राम के तो बाल ही थे। विनेश फोगाट ने अपने वजन कम करने के लिए रात भर जो किया वो कहानी सुनकर दिल टूट जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश ने पूरी रात वो सोई नहीं, दौड़ लगाई, रस्सी कूदी और साइकिल भी चलाई। और यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश ने खून भी निकाला, जो हो वो किया, लेकिन वजन सीमा पर नहीं पहुंच पाया। इसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि कल वेट -50 था, वजन के बाद विशेषज्ञों की देखरेख में खाया पिया और 3 बाउट की, उसके बाद वो 52.7 किलोग्राम हो गया। एक रात में 2.7 किलोग्राम वेट कम करना असंभव है। लोग कह रहे हैं कि विनेश को कल वेइंग के बाद क्या दिया गया कि 3 बाउट के बाद 50 से बढ़कर 52.7 हो गया। गुत्थी यहाँ है। विनेश फोगाट ने डिस्क्वालिफिकेशन किए जाने के बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा ने भी बयान दिया। उनके साथ बैठे पेरिस ओलंपिक में भारत के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनशॉ पारधीवाला ने कहा कि पेरिस ओलंपिक में फाइनल मुकाबले से पहले विनेश फोगाट का वजन 2 किलोग्राम बढ़ गया था, उसके बाद उनके वजन को कम करने के लिए कठोर कदम उठाए गए। दिनशॉ पारधीवाला ने कहा कि वजन मापने के दौरान विनेश 100 ग्राम अतिरिक्त वजन कम नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि विनेश ने रात भर वजन कम करने के लिए जो कठोर तरीके आजमाए उसमें सिर के बाल तक कटवाए, उसके कपड़े छोटे करना तक शामिल रहा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जापान की महिला पहलवान जो 42 बाउट में नहीं हारी, उसे हमारी बेटी विनेश फोगाट ने कुछ ही क्षणों में हरा दिया, वो भी जब 2023 में वो दिल्ली की सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही थी। इसके बाद भी उसने देश का तिरंगा ऊंचा कर दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब वापस आ जाओ। उन्होंने कहा कि अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो खेल मंत्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन भेजकर विरोध दर्ज करवाता, इस पूरे मामले की जांच होती और विनेश को न्याय मिलता। ये सवाल सिर्फ विनेश का नहीं है, ये हर उस खिलाड़ी का है जो देश के तिरंगे के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है। आज मोदी सरकार ने उन सभी को निराश किया। विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने के पर बीजेपी नेता और बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने बड़ा रिएक्शन दिया है। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने को विजेंद्र सिंह ने षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि हमारे पहलवानों के साथ बड़ा षड्यंत्र है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विनेश को वजन कम करने के लिए कुछ वक्त दिया जाना चाहिए था। विजेंद्र ने कहा कि उन्होंने पहले कभी भी किसी एथलीट के लिए ऐसा नहीं देखा। पीएम मोदी ने अब ट्वीट किया है
अब उन्होंने कहा है कि विनेश अब चैंपियनों की चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। आज का झटका दुख देता है, काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। पीएम मोदी ने कहा है कि चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है, मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ हैं। विनेश फोगाट को वजन ज्यादा होने की वजह से पेरिस ओलंपिक में रेसलिंग के फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य ठहरा दिया गया। इसके बाद खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद में बयान दिया है। मनसुख मंडाविया ने संसद में कहा, भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में तय वजन से 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से बाहर होना पड़ा। विनेश 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी, मुकाबले के लिए उनका वजन 50 किलोग्राम होना जरूरी था। खेल मंत्री ने कहा कि रेसलिंग नियमों के मुताबिक सभी प्रतियोगिताओं के लिए सभी वेट कैटेगरी में रोज सुबह वजन नापा जाता है। अनुच्छेद 11 के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी पहले और दूसरे वजन माप में भाग नहीं लेता है या असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के आखिरी स्थान पर रखा जाता है। खेल मंत्री ने बताया कि इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विनेश फोगाट के बाहर होने पर साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा है कि मेरा दिल घबराया हुआ है और परेशान है। उन्होंने लिखा है कि विनेश ने जो किया है ये कल्पना से परे है, ये शायद इस ओलंपिक में किसी भारतीय एथलीट के साथ हुई सबसे विनाशकारी घटना है। मलिक ने कहा है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वो किस दौर से गुजर रही होंगी, अगर ऐसा संभव होता तो मैं अपना पदक विनेश को दे देती। बजरंग पूनिया ने कहा है कि विनेश तुम हिम्मत और नैतिकता की गोल्ड मेडलिस्ट हो, माटी की बेटी हो, इसलिए ये मेडल भी माटी का है, बहुत हौसले से लड़ी हो। कल जब खेलने से पहले ओलंपिक ऑफिशियल्स ने आपका वजन लिया तो आपका वजन एकदम परफेक्ट था, आज सुबह जो हुआ उस पर कोई यकीन नहीं करना चाहता है, 100 ग्राम यकीन नहीं हो रहा है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, पूरा देश आंसू नहीं रोक पा रहा है, सब देशों के ओलंपिक मेडल एक तरफ और आपका मेडल एक तरफ, दुनिया की हर महिला को ये मेडल पर्सनल मेडल लग रहा था, काश दुनिया की सब महिलाओं की ये आवाज़ें सही जगह पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं कि ओलंपिक खेल रही दुनिया की सभी महिला पहलवान विनेश के साथ सॉलिडेरिटी में खड़ी होंगी। विनेश फोगाट के बाहर होने पर उनके ताऊ महावीर फोगाट ने कहा है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। विनेश के अयोग्य घोषित होने से देश की मेडल की आस टूट गई है। महावीर फोगाट ने कहा कि मैं तो माँ बाप हूँ, मुझे तो दुख है लेकिन पूरे हिंदुस्तान को दुख है। उन्होंने कहा कि मेरी बजरंग और संगीता से बात हुई थी, करीब 150 ग्राम वजन ज्यादा था, इस कारण से विनेश को अयोग्य करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर कुछ कर सकती है तो सरकार ही कर सकती है। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक विनेश फोगाट के ससुर राजपाल राठी ने फेडरेशन से लेकर कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपनी बातचीत में कहा ये दिल तोड़ने वाली खबर है, राजनीति हो रही है, ये षड्यंत्र है, इसमें सरकार का हाथ है, सिर के बाल से भी 100 ग्राम वजन बढ़ जाता है, 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से कौन निकालता है। इसके अलावा उन्होंने विनेश के साथ मौजूद सपोर्ट स्टाफ को भी घसीटा। राजपाल राठी ने कहा कि सपोर्ट स्टाफ ने किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की और अपना सपोर्ट स्टाफ नहीं ले जाने दिया। विनेश फोगाट के अयोग्य ठहराए जाने पर राहुल गांधी ने कहा है कि विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वाली नहीं है, हमें पूरा भरोसा है कि वो अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेंगी। आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है, आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। विनेश फोगाट पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि ये एक बेहद दुखद खबर है कि देश की बेटी को कोई अखाड़े के मैदान में नहीं हरा पाया लेकिन साजिश के अखाड़े में हरा दिया गया है। देश का एक मेडल आज राजनीति का शिकार हो गया, ये देश इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि ये विनेश का नहीं देश का अपमान है। विनेश फोगाट पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी, उनको 100 ग्राम ओवर वेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना घोर अन्याय है। पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है, भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे, अगर बात ना मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार करे। पूर्व राज्यसभा सांसद शाहिद सिद्दीकी ने भी यही बात कही और कहा कि भारत को विनेश के साथ हुए अन्याय के विरोध में ओलंपिक से हट जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि विनेश फोगाट के फाइनल में ना खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले शूटर अभिनव बिंद्रा ने कहा है कि पूरी तरह से टूट गया,
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कभी कभी लोगों के लिए सच्चा चैंपियन बनने के लिए आपको स्वर्ण पदक की जरूरत नहीं होती है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। खड़गे ने ठाकरे के साथ फोटो अपलोड करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के किसान और नौजवान अवसरवादी भाजपा गठबंधन से परेशान हैं। महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता बदलाव की ओर देख रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता आनंद राय अडसुल ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। द टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व शिवसेना सांसद आनंद राव अडसुल ने बीजेपी को सख्त अल्टीमेटम जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर राज्यपाल बनाए जाने की मांग की, नहीं तो वो पूर्व बीजेपी सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने के लिए नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा था और फिर विपक्ष ने भी पत्र लिखा और मुद्दा उठाया था। इस पर अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा है कि मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी आने से पहले से ही टैक्स है। वित्त मंत्री ने अपने बयान में ये भी कहा कि ये टैक्स हर एक राज्य में लगाया जाता था। जीएसटी के बाद राज्यों के जो भी कानून थे वो सभी उसमें शामिल कर लिए गए। वित्त मंत्री को मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने के लिए एक पत्र लिखा गया था। इस पर उन्होंने कहा कि चूंकि ये पत्र किसी और के माध्यम से सार्वजनिक किया गया, इसलिए उन्होंने जीएसटी हटाने की मांग को लेकर 200 सांसदों के साथ संसद में विरोध प्रदर्शन किया। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपने राज्यों में इस टैक्स को हटाने के बारे में चर्चा की है। बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष वकार उस जमान ने ऐसी उम्मीद जताई है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर अपना काम कामयाबी के साथ कर सकेंगे। वकार उस जमान ने कहा कि कल रात शपथ ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि पहले शपथ दोपहर में ली जानी थी, लेकिन अब ये शायद रात में 8 बजे ली जाएगी। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने रिहाई के बाद पहली बार भाषण दिया। 6.5 साल बाद किसी रैली में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो बदले और प्रतिशोध की राजनीति नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस जीत से बांग्लादेश में नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। हमें एक समृद्ध बांग्लादेश का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि छात्र और युवा हमारा भविष्य है। योग्यता, क्षमता और ज्ञान पर आधारित एक लोकतांत्रिक बांग्लादेश का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि उस सपने को साकार किया जा सके जिसके लिए युवाओं ने अपना खून बहाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है और उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ खतरे से लड़ने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक मंजिल नहीं बल्कि एक मील का पत्थर है। बांग्लादेश में हिंसा नहीं रुक रही है। अब तक आवामी लीग के 29 नेताओं और परिवार के सदस्यों के शव बरामद हो चुके हैं। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के कम से कम 20 नेताओं, उनके सहयोगी संगठनों और उनके परिवार के सदस्यों के शव मंगलवार को बरामद किए गए। हसीना के इस्तीफा हो देने और देश छोड़ने की खबर के बाद सतखिरा में हुए हमलों और हिंसा में कम से कम 10 लोग मारे गए। आवामी लीग के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बाद राजनीतिक संकट बरकरार है। इस बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक अजीब तुलना की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हमारे देश में भी हो सकता है, भले ही ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा हो। सलमान खुर्शीद ने कहा कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य लग सकता है, यहाँ भी सब कुछ सामान्य लग सकता है। हम जीत का जश्न मना रहे होंगे। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि 2024 की जीत या सफलता बहुत मामूली थी, शायद अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। खुर्शीद ने कहा कि सच्चाई ये है कि सतह के नीचे कुछ और ही चल रहा है। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुने गए हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस का सहयोगी चुने जाने के बाद पहली बार अपने हजारों समर्थकों के सामने उन्होंने बात कही। डेमोक्रेटिक पार्टी की रैली में टिम वॉल्ज ने अपनी ग्रामीण जड़ों का जिक्र किया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को पीछे ले जाएंगे। इस बीच ट्रंप के चुनावी अभियान की तरफ से तुरंत टिम वॉल्ज पर हमले करते हुए उन्हें खतरनाक उदारवादी बताया गया। 60 वर्षीय टिम वॉल्ज को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है जो मध्य पश्चिमी राज्यों में ट्रंप की ओर आकर्षित हुए ग्रामीण और श्रमिक वर्ग के मतदाताओं को वापस जीत सकते हैं। कतर की राजधानी दोहा में 2 दिन तक हुई लंबी वार्ता के बाद हमास ने याहया शनवार को अपना नया शीर्ष नेता चुन लिया है। इस्माइल हनिया की तेहरान में हत्या कर दी गई थी। हनिया की मौत के पीछे इसराइल का हाथ बताया जा रहा है। बता दें 2017 से सिनवार गजा पट्टी में एक ग्रुप लीडर के तौर पर काम कर रहे थे। अब उन्हें हमास ने अपना शीर्ष नेता चुना है।
अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।